वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें, ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समझ। बात ये नहीं है कि कुमार विश्वास ने केजरीवाल के ऊपर ही आरोप लगाया है, बात यह है कि केजरीवाल वो शख्स है, वो व्यक्ति है जिसके ऊपर आप कतई विश्वास नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं केजरीवाल का विरोधी हूँ इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैं जो भी बातें करता हूँ 100% सत्यता के आधार पर करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ केजरीवाल की कहानी, कितने झूठ, कितने कारनामे और हर सबूत के साथ। ये वो व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, यानी कहते ना कि जरूरत पड़ने पर गधे को बाप बना दो। ये वो शख्स है जो गधे को क्या, गधे के बाप को भी बाप को भी बाप को भी अगर बाप बनाना पड़े तो ये शख्स पीछे हटने वाले नहीं है। मैं आज बता रहा हूं कि ये व्यक्ति कितना खतरनाक है, आप इसके इरादे जानेंगे तो शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। जब अन्ना ने क्रांति शुरू किया था कांग्रेस के खिलाफ, तब देश की पूरी जनता ने अन्ना हजारे जी के साथ अपना समर्थन दिया था और भारत के हर कोने कोने में क्रांति शुरू हो गई थी। और उस समय अन्ना ने ये विजन पारित किया था कि जो कांग्रेस और देश के लिए दीमक के रूप में काम कर रही है और इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। और इस शख्स ने अन्ना के नाम पर अपना चेहरा चमकाया और जैसे ही इसका नाम रोशन हो गया, इसने अपने ही गुरु को लात मार के साइड कर दी। क्योंकि अन्ना जी ने कहा था कुछ भी हो जाए मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। और जब इस व्यक्ति ने अन्ना जी के नाम का उपयोग करके राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया, तब अन्ना जी काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा था हमारे वादे थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। तो इसने कहा था कि अन्ना जी चिंता मत कीजिए, मैं कीचड़ में घुस के कीचड़ की सफाई करूंगा। अन्ना जी ने कहा ठीक है भाई, कर ले सफाई। और इसने कसम खाया था कि जो कांग्रेस पार्टी दीमक थी, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इनका आंदोलन हुआ था 2014 में जब चुनाव हुआ, इसको मेजोरिटी नहीं मिली तो इसने बहुमत की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से ही हाथ मिला लिया। जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था उसी कांग्रेस पार्टी को ये इसने अपना अब्बा जान बना लिया। और फिर क्योंकि व्यक्ति क्या है, ये बहुरूपिया टाइप, ये अपने रंग रूप सबको बदलते रहता है। और 49 दिनों की सरकार चलने के बाद में इसने सरकार गिरा दिया और ये कह दिया देखो जी हमें समर्थन नहीं है जी, इसीलिए मैं दिल्ली में जन लोकपाल लागू नहीं कर पा रहा हूं जी, इसीलिए मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिला पा रहा हूं जी, और अगर मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा जी तो ऐसी सरकार चलाने से क्या फायदा है जी। और लोग उस टाइम इमोशनल हो गए, देखिए कितना सत्य व्यक्ति है कि जो जनता की काम के लिए भलाई के लिए ये अपनी सत्ता छोड़ दिया, ऐसा मुख्यमंत्री कहां मिलेगा। उसके बाद फिर से चुनाव होता है 2015 में, क्योंकि बीच में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और इस व्यक्ति की मेजोरिटी सरकार बनती है। तब से ये साहब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाना भूल गए, यानी फुल मेजोरिटी से बहुमत में आने वाला आदमी आज तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया और ना ही पूर्ण राज्य दर्जा बनाने की भी लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जब राम मंदिर निर्माण की बात आई, फैसले की बात आई, तब इस व्यक्ति ने खुलेआम मन से कहा था कि मैंने अपने नानी से पूछा, नानी जी अब तो आपके राम का मंदिर बन रहा है, आप तो बहुत खुश होंगी। तो नानी ने कहा था ना जी ना, मुझे ऐसा राम का मंदिर नहीं चाहिए। और इसने ही कहा था कि यदि इस देश में मंदिर बनाए गए होते तो मैं पढ़ाई कैसे किया होता, लोग शिक्षा कैसे पाते। लेकिन जब इसने देखा कि देश में राम मंदिर का माहौल चल रहा है, तब नानी को भी लात मार के ये सीधे अयोध्या पहुंच गया और वहां पे दिखाया कि देखो जी मैं भी राम भक्त हूं। तो सवाल ये है कि क्या नानी झूठ बोल रही थी या ये आदमी झूठ बोल रहा था। जो आदमी अपने फायदे के लिए नानी को घसीट ले, जो आदमी अपने फायदे के लिए बूढ़े व्यक्ति अन्ना हजारे को बदनाम कर दे, जो आदमी अपने ही सहयोगी कुमार विश्वास जैसे लोगों को लात मार के पार्टी से बाहर कर दे कि इस बात के लिए कि मुझे पैसा आना चाहिए। इसने एक बात और कहा था कि जो लोग नेता बनते हैं
वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बंगलों में, और जब इनका काफिला चलता है गाड़ियों का तो ऐसे क्यों चलते हैं? ये छोटी सी गाड़ी में भी चल सकते हैं, ये एक कमरे के मकान में तो रह सकते हैं, ये अकेले तो काम कर सकते हैं, ये काफिला लेकर के लोगों को डिस्टर्ब क्यों करते हैं? आज इसी व्यक्ति का काफिला निकलता है, आज यही व्यक्ति बड़े बंगलों में रहता है, आज यही व्यक्ति हर वो सुविधाएं लेता है जो एक नेता लेता है। ये वो शख्स है जो अपने फायदे के लिए किसी भी लक्ष्य तक गिर जाएगा, इससे गिरा हुआ व्यक्ति आज तक दुनिया में मिला नहीं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब इसने तो बहुत सारा काम भी किया है, उत्तर प्रदेश का एक सामान्य सा जिला, जितनी उसकी एरिया आती है, जितने में एक जिला आता है, उतने में लगभग 3 से 4 दिल्ली बन जाएंगे। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के एक जिले के बराबर भी दिल्ली की एरिया नहीं है, यानी कि एक जिले में 3 से 4 दिल्ली बन सकती है। उस छोटी सी दिल्ली में, यानी कि उत्तर प्रदेश के एक जिले का तिहाई हिस्सा दिल्ली है, उसमें भी लगभग 60% जो काम काज है या अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होते हैं, 40% काम राज्य के पास है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला उसका आप तीसरा खंड कर दो 33%, और उस जिले का जो 33% है उसको चलाने के लिए एक बॉडी चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोग शामिल होंगे। उस काम में भी 40% सिर्फ राज्य सरकार काम करेगी, और उतने काम के लिए ये व्यक्ति फड़फड़ा रहा है। अब आप सोचिए कि एक जिले के तिहाई हिस्से यानी दिल्ली को चलाने के लिए, उसमें भी 40% काम करने के लिए एक मुख्यमंत्री केजरीवाल, दूसरा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनता है मनीष सिसोदिया, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जिले को एक डीएम चलाता है एकदम शांति से, खामोशी से, एकदम प्यार से। आपको बता ही दिया कि कुमार विश्वास को इस व्यक्ति ने क्यों बाहर किया था पार्टी से। तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैंने कहा अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेकर, ठीक उसी तरह से जैसे मुस्लिम लीग पार्टी ने किया था देश का बंटवारा करने के बाद पहले प्रधानमंत्री बनने का सपना, कांग्रेस पार्टी ने किया था देश का बंटवारा होने के बाद पहले प्रधानमंत्री बनने का सपना, वही काम आज केजरीवाल लेके चल रहा है। तुम इतिहास नहीं जानते हो, वो इतिहास जानता है। देश को तोड़ो और फिर भावनाओं से खेलो और प्रधानमंत्री बन जाओ। जो व्यक्ति अपने गुरु को, अपनी माँ समान नानी को बदनाम कर सकता है, ये उन हिंदुओं का क्या होगा? इसने तो ये बात CAA के दौरान जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली के शाहीन बाग में, उसी समय इसने अपनी मंशा जाहिर कर दिया था, जब मुसलमान दंगे कर रहे थे, आग लगा रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, तब इसी के नेता उस दंगों में शामिल थे, और ये आदमी बिल्कुल मुंह बंद करके चुप करके बैठा हुआ था। इसका भी विजन चाचा नेहरू और कांग्रेस जैसा ही है, तोड़ो और राज करो। इस व्यक्ति का मकसद हिंदुओं से कोई है ही नहीं। अरे हिंदू 300 रुपए की बिजली पानी फ्री करके मौज कर रहा है, मुसलमान अपने गजबाए हिंद में फौज बना रहा है, मुसलमानों को देश में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मोदी सरकार द्वारा हर योजनाएं मिल रही हैं। और मैं आपको बता दूं, जो आवास योजना बनी है उस आवास योजना में सबसे ज्यादा घर मुसलमानों को मिले हैं, लेकिन उन्हें इन चीज से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ मतलब है गजबाए हिंद यानी भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने, और भारत का हिंदू 200-300 रुपए के बिजली पानी लेकर के मस्त है। जब कश्मीर की तरह भगाए जाओगे तब कहां जाओगे, जब अफगानिस्तान की तरह भगाए जाओगे तब कहां जाओगे, दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसीलिए ये 300 की बिजली भी धरी रह जाएगी, जिस तरीके से अफगान के लोगों के पास रहने के लिए बंगले थे, कार थे, लेकिन जहाज के पहिए लटक करके भाग रहे थे। अब आप कहोगे भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, कश्मीर में नहीं हुआ क्या, केरल में नहीं हुआ क्या, पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है क्या? शाहीन बाग बना करके सालों तक रास्ते बंद कर दिए, किसी की औकात नहीं थी कि उन रास्तों से गुजर जाए, क्या हिंदुस्तान में नहीं हुआ क्या? ये वो शख्स है जो आने वाले वक्त में भारत का नया जिन्ना बनने वाला।
यदि आप समझदार हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले भविष्य का जिन्ना तोड़ो और राज करो। शाहीन बाग देखा, अपने खालिस्तानियों को देखा, खालिस्तानियों के समर्थन में भी व्यक्ति खूब खड़ा था। आतंकवादियों से हमदर्दी होती है, सेना से सबूत मांगे जाते हैं, ये कोई और नहीं, ये जिन्ना के रास्ते सत्ता के वास्ते देश का बंटवारा चाहते हैं, दिल्ली का मालिक बनना चाहते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो कीजिए शेयर और चैनल की सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।